वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में पलायन कर अपने घरों के लिए आए लोगों के लिए शासन ने आदेश किया था कि स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर बना करके 14 अप्रैल तक उन्हें वहीं विश्राम करना होगा, जहां उनके दैनिक प्रयोग के समस्त वस्तुएं प्रधान व सचिव मुहैया कराएंगे। लेकिन अपनों से मिलने के हट में पलायन कर आए ग्रामीण क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रुक रहे। मामला सरेनी थाना क्षेत्र प्रेमचक गांव का है, जहां प्रधान द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रोके जाने वाले लोगों के लिए खाना पानी सभी मूलभूत सेवाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्थाएं की जा चुकी थी, लेकिन अपनी जिद पर अड़े क्षेत्र के लोग क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रुक रहे, जिससे परेशान प्रधान पति राकेश शर्मा ने सरेनी थाना अध्यक्ष को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। लेकिन सरेनी थाना अध्यक्ष अजीत कुमार विद्यार्थी ने खाना पूर्ति के लिए हल्के में तैनात सिपाही को भेजकर मामले से इतिश्री कर ली। प्रशासन की इसी ढिलाई से पलायन कर आए लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, प्रशासन को कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। रायबरेली ब्यूरो हर्षित त्रिवेदी के साथ ललित तिवारी की रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय दे दें। मैं राकेश शर्मा, प्रधान पति ग्राम पंचायत प्रेमचक। अच्छा, ये बताइए क्वारंटाइन यहाँ पे बनाया गया है प्राथमिक विद्यालय प्रेमचक में, तो यहाँ पे कितने लोगों को रखा गया है और कितने लोग मौजूद हैं, कितने जो है फरार बताए जा रहे हैं? विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है उसमें 20 लोगों की सूची चस्पा की गई है। 20 लोगों में 12 लोग ही उपस्थित हैं, शेष लोग यहाँ अनुपस्थित हैं, वो यहाँ सेंटर पे नहीं पहुँचे। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी? हाँ, इसकी सूचना हमने प्रशासन को दी थी। प्रशासन मौके पर आया और सबको चिन्हित करने के बाद शेष लोगों के नाम और नाम पते लिख के ले गया है, वो आगे कार्रवाई प्रशासन करेगा। अच्छा, ये यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है? हाँ, यहाँ क्वारंटाइन के लोगों के लिए, हाँ, सारे जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन के उसमें रुके हुए हैं उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई है। रुकने के लिए गद्दे हमने डलवा दिए हैं, तो इनको सारी व्यवस्था मुहैया करा दी है। और जैसे आपके गांव में कोई गरीब है, उसके पास राशन वगैरह नहीं है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई? उनको गांव में सूचना दे दी गई है, जो लोग निराश्रित हैं और भुखमरी के कगार पर हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।